नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रभासपाटन में स्थित प्रसिद्ध गीता मंदिर को भेंट करेंगे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का अंतर्म विधि किया गया था। और थोड़ी ही दूरी पर हिरण्यकेशी नदी, कपिला नदी, जहां अरब सागर में एक साथ मिलती है, उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, उस जगह को भेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन पवित्र ठिकानों की खोज करेंगे। सोमनाथ, गुजरात में गीता मंदिर का आध्यात्मिक नखलिस्तान। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात का पवित्र शहर सोमनाथ अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस ऐतिहासिक शहर के केंद्र में गीता मंदिर स्थित है, जो भगवान कृष्ण और श्रद्धेय भगवद गीता को समर्पित एक मंदिर है। आइए उस आकर्षण और आध्यात्मिकता का पता लगाएं, जो यह मंदिर सोमनाथ में लाता है। ऐतिहासिक जड़ें। गीता मंदिर, जिसे गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। 1970 में स्थापित यह मंदिर हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता की शिक्षाओं के प्रमाण के रूप में खड़ा है। मंदिर का निर्माण श्रद्धेय श्री जशभाई बी प्रजापति द्वारा शुरू किया गया था, जिनका उद्देश्य एक ऐसा स्थान बनाना था जहां भगवद गीता के श्लोकों का सम्मान किया जा सके और भक्तों द्वारा समझा जा सके। गीता मंदिर की वास्तुकला आधुनिक डिजाइन और पारंपरिक भारतीय शिल्प कौशल का एक मनोरम मिश्रण है। इसका सफेद संगमरमर का मुखौटा सूरज की रोशनी में शानदार ढंग से चमकता है, जो अक्सर आध्यात्मिकता से जुड़ी प्राचीन पवित्रता की प्रतिध्वनि देता है। मंदिर की संरचना भगवद गीता की शिक्षाओं के सार को खूबसूरती से प्रस्तुत करती है, सादगी, पवित्रता और भक्ति। भगवद गीता, गीता मंदिर के मध्य में एक गर्भगृह है, जहां भगवान कृष्ण की एक भव्य मूर्ति स्थापित है। इस दिव्य छवि के चारों ओर जटिल नक्काशीदार संगमरमर के पैनल हैं, जो भगवद गीता के दृश्यों को दर्शाते हैं। ये विस्तृत राहतें धर्मग्रंथ के गहन संदेशों को व्यक्त करने में मदद करती हैं, जो कर्तव्य, धार्मिकता और आध्यात्मिक जागृति के महत्व पर जोर देती हैं। आध्यात्मिक विश्राम। गीता मंदिर केवल पूजा स्थल से कहीं अधिक कार्य करता है। यह आध्यात्मिक साधकों के लिए एक आश्रय स्थल है और सांत्वना और आंतरिक शांति चाहने वालों के लिए एक स्वर्ग है। शांत वातावरण और भक्तों के मधुर मंत्र ध्यान और चिंतन के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। पर्यटक आकर्षण। अपने धार्मिक महत्व के अलावा गीता मंदिर सोमनाथ में एक उल्लेखनीय पर्यटक आकर्षण बन गया है। दुनिया भर से पर्यटक न केवल आध्यात्मिक पहलुओं का पता लगाने के लिए यहाँ आते हैं, बल्कि मंदिर की वास्तुकला की भव्यता और इसके चारों ओर हरे भरे, अच्छी तरह से बनाए गए बगीचों की प्रशंसा करने के लिए भी आते हैं। गुजरात के सोमनाथ में गीता मंदिर भगवद गीता के कालातीत ज्ञान के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिकता और कलात्मकता का संगम होता है, जो यहां आने वाले सभी लोगों को एक शांत और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करता है। चाहे आप भगवान कृष्ण के कट्टर अनुयायी हो या बस भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की एक झलक पाने वाले यात्री हो, गीता मंदिर एक अवश्य यात्रा योग्य गंतव्य है, जो एक गहन और शांत अनुभव का वादा करता है। भारतातील प्रसिद्ध पर्यटन ठिकाणी जाण्यासाठी श्री समर्थ नाना टूर्स व ट्रॅव्हल्स सासवडला संपर्क करा। मोबाईल नंबर 9730445409। श्री समर्थ नाना टूर्स सासवड आणि सावकार दादा प्रतिष्ठान वाघापूर यांच्या वतीनं श्री क्षेत्र सोमनाथ येथील श्री गीता मंदिर इथे सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत। गीता मंदिराचं महत्व सांगतो। काल आपण भालकातीर्थला गेलो होतो, ते ठिकाण म्हणजे जिथे कृष्णाला बाण लागला होता ते ठिकाण, आणि गीता मंदिर म्हणजे जिथे श्रीकृष्णावरती श्रीकृष्णाचा अंत्यविधी झाला, जिथे श्रीकृष्णाने देह ठेवला। ज्या वेळेस श्रीकृष्णाने इथे देह ठेवला, त्यानंतर पांडवांनी आणि यादव वंशीयांनी श्रीकृष्णाचे अंत्यसंस्कार केले। तर अंत्यसंस्कार केल्यानंतर त्याच्या ज्या अस्थी आहेत त्या संगमामध्ये विसर्जित केल्या। संगमला आपण जाणार आहे पुढे पाहायला। तर असं म्हणतात की श्रीकृष्ण हा काही नर नव्हता, नारायण होता। त्याच्यामुळे त्याचे शरीर तर पूर्ण जळालं, पण त्याचं हृदय ते जळालं नाही। ते वाहत वाहत कुठे गेलं? जगन्नाथपुरीला, जे चार धामांपैकी एक धाम आहे। तिथे असं म्हणतात की अजून सुद्धा जगन्नाथपुरीला ते हृदय ठेवलेलं आहे श्रीकृष्णाचं, जे जळलं नाही। आणि ते लिंबाच्या लाकडामध्ये मूर्ती बनवतात आणि त्याच्यामध्ये ते ठेवतात पेटी। ही स्टोरी आहे गीता मंदिरची। आता पुढचा स्पॉट आहे आपला संगमावरती। सोमनाथ, गुजरात में त्रिवेणी संगम एक किंवदंतियों का संगम है, जहां पर हिरण्यकेशी नदी, कपिला नदी और अरब सागर, गुजरात के तटीय शहर सोमनाथ में गहन रहस्य और आध्यात्मिक महत्व का एक स्थान मौजूद है। ये पवित्र संगम तीन उल्लेखनीय जल निकायों के मिलन बिंदु का प्रतीक है, हिरण्यकेशी नदी, कपिला नदी और अरब सागर का विशाल विस्तार। इनमें से प्रत्येक तत्व की अपनी अनूठी किंवदंती है, जो इस जंक्शन को अत्यधिक श्रद्धा का स्थान बनाती है।
हिरण्यकेशी नदी, जिसे हिरण के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात के परिदृश्य से धीरे धीरे बहती है, जो प्रकृति के सामंजस्य का प्रमाण है। इसका नाम हिरण्यकेशी दो संस्कृत शब्दों से लिया गया है, हिरण, जिसका अर्थ है सोना, और केशी, जो भगवान कृष्ण को संदर्भित करता है। स्थानीय लोककथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने राक्षस केशी का वध करने के बाद स्वयं इस नदी के पानी में स्नान किया था। वैसे तो हिरण्यकेशी नदी भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है और माना जाता है कि इसके पवित्र जल में डुबकी लगाने से किसी की आत्मा शुद्ध हो जाती है। कपिला नदी, जिसे सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है, मिथक और आध्यात्मिकता से भरी हुई है। सरस्वती हिंदू धर्म में ज्ञान, संगीत और कला की देवी है। किंवदंती के अनुसार शक्तिशाली सरस्वती एक बार एक भौतिक नदी के रूप में बहती थी, जो भूमि का पोषण करती थी। कहा जाता है कि समय के साथ यह भूमिगत होकर लुप्त हो गई और रहस्यमय महत्व की नदी बन गई। सोमनाथ में त्रिवेणी संगम पर कपिला नदी हिरण्यकेशी नदी में मिलती है, जो इस संगम को अपनी आध्यात्मिक आभा प्रदान करती है। अरब सागर, इस पवित्र त्रिमूर्ति का तीसरा तत्व, पानी का एक विशाल भंडार है, जो इस क्षेत्र को दूर देशों से जोड़ता है। त्रिवेणी संगम पर इसकी उपस्थिति प्रकृति और आध्यात्मिकता की गहन एकता पर जोर देती है। श्रद्धालु और पर्यटक समान रूप से यहां न केवल इस संगम को देखने के लिए आते हैं, बल्कि अरब सागर पर डूबते सूरज के मनमोहक दृश्य को देखने के लिए भी आते हैं, एक ऐसा दृश्य जो जीवन और आध्यात्मिकता की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है। सोमनाथ में त्रिवेणी संगम न केवल एक भौगोलिक चमत्कार है, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी है। इसके निकट ही प्रतिष्ठित सोमनाथ मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। श्री समर्थ राणा टूर्स सासवड आणि सावकारदादा प्रतिष्ठान वाघापूर यांच्या वतीनं तुम्हा सगळ्यांचं श्री क्षेत्र सोमनाथ येथील त्रिवेणी संगमावरती आपण आता आहोत। तुम्ही पाहताय तिकडून जी नदी येते ना, आता आपण गीता मंदिरला होतो, तर गीता मंदिरच्या शेजारी जी नदी होती ना, ती नदी हिरण्यकेशी नदी। त्याच्यानंतर हे मध्ये बंगला दिसतोय का, त्या बंगल्याच्या पलीकडून जी नदी येते ना, ती कपिला नदी। त्या दोन्ही नद्यांचा संगम इथे होतोय समुद्राला, म्हणजे हा त्रिवेणी संगम। इथं श्रीकृष्णाच्या अस्थी विसर्जित केला गेला तो हा संगम। त्याच्यानंतर मध्ये जो बंगला दिसतोय ना, तो भारतातील सुप्रसिद्ध थोर रामकथाकार श्री मुरारी बापू यांचा तो बंगला आहे। आताच काही दिवसांपूर्वी ब्रिटनला मुरारी बापूंनी ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांची रामकथा सांगितली, ज्याला जो भारतीय वंशाचे तिथले पंतप्रधान ना, ब्रिटनचे सध्याचे भारतीय वंशाचे, तर ते सुद्धा तिथे हजर होते। रामकथा झाल्यानंतर त्यांनी सगळं जेवण वाढलं भव्य पद्धतीनं, जे होतं जसं आम्ही थांबतो ना जेवण वाढायला, तसं पंतप्रधान थांबला होता प्रसाद वाटायला। हे महत्व आहे या ठिकाणाचं। गीता मंदिर बघितलं जिथं अंत्यसंस्कार झाले, आता आपण संगम बघितला जिथं अस्थी विसर्जन झालं, आता समोर एक आदित्यनारायण मंदिर आहे तिथं आपण जायचंय। त्याच्यानंतर आपण श्री समर्थ सासवड आणि सावकारदादा प्रतिष्ठान वाघापूर यांच्या वतीनं तुम्हा सगळ्यांचं श्री क्षेत्र सोमनाथ प्रभास पाटण येथे हार्दिक स्वागत। आता आपण जुनं मंदिर आणि नवे मंदिर असं दोन्ही मंदिरांचं दर्शन घेऊन बाहेर आलो। तर जे नवीन मंदिर म्हणतोय, मेन मंदिर जे सरदार वल्लभभाई पटेलांनी बांधलं, त्या मंदिरामध्ये तुम्ही मुख्य शिवलिंगाचं दर्शन घेतलं आणि जे अभिषेक होतात ते यह वीडियो हमें श्री समर्थ नाना टूर्स सासवड के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। हमारा चैनल उनका आभारी है। त्या मोहम्मद गजनीनं 17 वेळा सोमनाथचं जे मुख्य मंदिर आहे ते लुटून नेलं, त्याच्यामुळे अहिल्याबाई होळकरांनी इथे नवीन मंदिर बांधलं होतं। तर ते जुनं आणि नवं याच्यामध्ये कन्फ्युजन होणार, ठीक आहे। त्याच्यानंतर तुम्ही जर का मेन मंदिरामध्ये गेला तर तिथं तुम्ही पाहिलं असेल, तिथे एक शिळ आहे, त्या शिळेवरती लिहिलंय की आता पान दाखवलंय या खालच्या दिशेला, आणि त्याच्यावरती लिहिलंय की इथून दक्षिण ध्रुवावरती जाण्यामध्ये कुठली मध्य भूमी नाहीये, सरळ अंतर आहे। आता ही शिळ कधीची आहे, कधी मंदिर बांधलं गेलं असेल पूर्वी तेव्हाची जुनी शिळ आहे। त्याच्यावरती लिहिलंय की पृथ्वीच्या शेवटच्या टोकाला जास्तोपर्यंत मध्ये कुठलाच जमीन परत लागणार नाही, पूर्ण पाण्यातला रस्ता आहे, सरळ मार्ग दाखवतो असं। तर ही क्षेत्र सोमनाथ असं आहे की जिथे श्रीकृष्णाचे आणि श्री महादेवाचे दोघांचे सुद्धा चरण स्पर्श आहे, म्हणून ही भूमी पावन आहे आणि 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे। आणि आपलं नशीब इतकं चांगलं आहे सगळ्यांचं की काल पण पहिला श्रावणी सोमवार होता जिथे सगळ्यांनी दर्शन घेतलं, आणि आज पण
भरपूर लोकांनी व्यवस्थित दर्शन घेतले. आता आपल्याला पुढच्या स्पॉटला जायचंय. दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए अपलोडेड वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद.